खराब रहे या अच्छा रहे, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रेस्ट करने के लिए। इस टाइप का लग रहा था, ऊपर से एकदम मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, ऐसे भी सुबह। तो अब कैसे सारा काम होगा यही सोच रही हूँ कि मेरा फुल डे का जो बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे। यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ, टाइम हो गया 8:30। दोनों चले गए अपनी अपनी जगह पे, आरो स्कूल, ये चले गए ड्यूटी। तो सुबह का जो धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात में बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं धूप ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह का जो धूप होता है बहुत मीठा होता है, उसके बाद वाला तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। बहुत हवा भी आजकल धूप के साथ साथ। तो यहाँ सुबह में मैं जो बना रही थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू, सोयाबीन, राजमा और चना का सब्ज़ी। ऐसे मेनली सोयाबीन ही होता है फ्राइडे को, बट मैं सब कुछ ऐड कर देती हूँ कि चलो इसी बहाने सब कुछ खाएगी। तो स्कूल में थोड़ा डर होता है, मैम चेक करती हैं टिफ़िन, तो इसलिए मैं दे देती हूँ, खा लेती है। साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी दे देती हूँ, वो भी खा लेती है। ऐसे तो घर बहुत ज़्यादा नखरा करती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठा और अनूप के लिए रोटी। होता क्या है ना कि कभी कभी आलू के साथ ही मैं बना देती हूँ, बट कभी कभी जब ये मैं आलू का रोटी बना लेती हूँ उसके बाद बंद करके उसको रेडी करती हूँ। पर आज मैं वही करने वाली हूँ, बस सिर्फ आलू के लिए बनाऊँगी। अनूप आलू जब चली जाएगी तब मैं अनूप के लिए बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, आलू को भेज लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सब लोग चले गए, आरू भी चली गई, अनूप भी चले गए। तो यहाँ पे मैं अपना चाय बना रही हूँ, ये लेमन टी सुबह में तो मैं यही लेती हूँ। और उसके साथ मैं ले रही हूँ गर्म पानी विथ हनी एंड लेमन, दो बूंद सिर्फ डालती हूँ, क्योंकि मेरे को और भी ज़्यादा दुबला नहीं होना है, बहुत है जितना मेरा वेट है और मैं गेन करना चाहती हूँ। बट मैं ये अपने फेस के लिए कर रही हूँ, थोड़ा फेस पे जो जान हो तो वो वापस आ जाए, क्योंकि बहुत ही डल हो गया है मेरा फेस। पहले बहुत ये सब करती थी, इधर 1-2 सालों से सब छोड़ दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पीऊँगी वो शहद वाला पानी और चाय, क्योंकि सुबह जब तक ये चाय नहीं पीती हूँ तो थोड़ा एनर्जी लो लगता है। जैसे ही चाय पीती हूँ एकदम फिट एंड फाइन हो जाती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं बस अनूप और आरू को सबको भेज के दोनों को मैं फ्री हुई। अभी सोफ़ा पे बैठी हुई थी, अपना वीडियो अपलोड कर रही थी। और परसों मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, कल थोड़ा सा बेटर हुआ, बट आज रात में जो रात बीत गया उसमें मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हुआ क्या कि मैं रात में 3:15 में उठी तो एकदम से मैं एकदम बहुत ज़्यादा थरथरा रही थी ठंड से। और ऐसा कुछ खास ठंड नहीं है, अनूप तो एक ही ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, मैं भी इधर बहुत दिनों से एक ही ब्लैंकेट में सो रही थी, तो मतलब उतना ठंडा लग नहीं रहा था, तो इसलिए एक ब्लैंकेट लेती थी। बट रात में इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था और मैं उठ नहीं पा रही थी, अनूप को आवाज़ नहीं लगा पा रही थी, इस तरह का कंडीशन मेरा हो गया था। सडन पता नहीं चला क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 3:15 में मेरा नींद खुला तो मैं फील करी कि मैं एकदम से ये हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस टाइप का लग रहा था, ऊपर से एकदम मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। ऐसे भी सुबह सुबह बोल नहीं पाते, बट मैं क्या करी फटाफट से फ़ोन निकाली और अनूप को फ़ोन लगाई रात में। तो फ़ोन लगाया क्योंकि वो इस रूम में पढ़ाई करते हैं तो इस रूम में सोते हैं, रात में हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह से। तो मैं तो चलो कर लेती हूँ, बट आरू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती,
तो फ़ोन वो अलग सोते हैं इस रूम में और मैं आरु को लेके उस रूम में सोती हूँ। तो रात में मैं फ़ोन करी तो वो मैं बोली अनु बहुत ठंड लग रहा है एक और ब्लैंकेट ला के दो। तो वो फटाक से एकदम बिना कुछ सोचे समझे उठे और फटाक से मेरे को एक और ब्लैंकेट ला के दिए और बहुत ज़्यादा फीवर था तो लाइट जलाए फटाफट से थर्मामीटर निकाले और उसके बाद चेक किए तो मेरा 100 से ज़्यादा ही फीवर था, 101 नहीं था बट 100 ही से आसपास में था फीवर। और फटाफट से निकाल के पैरासीटामोल दवा दिए मेरे को और बोले कि रेस्ट करो एकदम सो जाओ। मेरे को नींद नहीं आ रहा था इसलिए सुबह में नींद भी नहीं खुल रही थी मेरे को अच्छे से। तो जो तबीयत ख़राब होता है ना उसका कुछ आप नहीं कर सकते। मेरे को लग रहा था कि बहुत दिनों से फीवर वगैरह नहीं आया तो इतने दिनों का हरासमेंट, हम लोग शिफ्ट हुए थे वो सारा हरासमेंट वगैरह, अभी ये आईज आपको देख के लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है। अभी सुबह से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि रात में दवा खाई थी, अभी दोबारा फीवर नहीं आया है तो अगर आएगा तो फिर से एक टैबलेट ले लूँगी। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो सोचे चलो बात कर लेती हूँ क्योंकि मैं रात में ही सोच रही थी कि मैं आरू को कैसे भेजूँगी सुबह स्कूल क्योंकि मेरी तबीयत एकदम ठीक ना, अभी भी हल्की हल्की फीवर है बट ये वाला फीवर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है तो मैं कैसे भेजूँगी आरू को। बट वो मैं सुबह में कर ली किसी तरह से उसको तैयार करके फटाफट से उसको भेज के अभी रिलैक्स फील कर रही हूँ। अभी तो बहुत टाइम हो गया, बहुत सारा काम भी मैं कर ली हूँ। तबीयत ख़राब रहे या अच्छा रहे हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रेस्ट करने का। ऐसा नहीं कि हस्बैंड बोलते नहीं कि रेस्ट नहीं करो, वो बोलते हैं रेस्ट करो बट कैसे रेस्ट करें, बहुत सारा लाइबिलिटी होता है हम लोगों के ऊपर, बहुत काम होता है घर में। अगर आप सिर्फ अकेले हो हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिली जो कहते हैं उसको, अगर आप ऐसे रहते हो, ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे ही रहते हैं, बहुत लोग कम ही है जिनकी फैमिली साथ में रहती है, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर इस समय मेरे कोई फैमिली मेम्बर होते यहाँ तो मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ता। मायके में जब लड़कियाँ बीमार पड़ती थी क्यों नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि माँ होती है, बहनें होती है, भाई होते तो सब लोग मतलब मदद करते हैं बट यहाँ कोई नहीं होता। तो वही वाला बात है, जब न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारा फ़ायदा भी है तो बहुत सारा नुकसान है, मेरे को तो ज़्यादा नुकसान ही दिखता है क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरे को सारा कुछ दिखने लगता है कि अरे कोई फैमिली रहता तो मैं उस पर आराम कर पाती, थोड़ा रेस्ट कर पाती, मेरा ख्याल रख पाते। तो अनूप तो जो 8 बजे जाते हैं 4 बजे से पहले नहीं आएंगे, तो चाहे मैं बीमार पड़ जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ टैबलेट रख के गए कि वो तुम खा लेना। तो सारा काम हो गया, अब मैं फटाफट से नाश्ता करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दवा खाना है मेरे को। तो ये नाश्ता करने के बाद मैं दवा लूँगी क्योंकि फीवर लग रहा जैसे अब आने ही वाला है। तो फटाफट से नाश्ता करना है और दवा लेना है, उसके बाद अपना दोपहर का लंच का प्रिपरेशन भी करना होगा। वह है 1:15, अभी मेरी मेट काम कर रही है और मेरे को दम तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अभी फीवर बहुत आया हुआ है तो एक टैबलेट मैं खा चुकी हूँ, आधा घंटा में उतर जाएगा फीवर। बट फीवर उतरने के बाद भी ना बॉडी में जो अजीब टाइप का जो पेन होता है ना वो कुछ अजीब ही होता है और अच्छा फील एकदम नहीं हो रहा है। और हस्बैंड अभी नहीं आ सकते, अभी बात हुआ वो बोले कि तुम एकदम लेट ही रहो और हो सकता है मैं भी ये कुछ बाहर से ले आए क्योंकि मेरे को एकदम मन नहीं कर रहा बनाने का। और ये कल रात में आया था फिर से आ गया, मेरे को लगा नहीं आएगा। सुबह काफ़ी अच्छा फील कर रही थी क्योंकि रात में फीवर उतर गया होगा, 3:15 में मैं दवा खाई थी तो आई थिंक 4:15 तक उतर गया होगा। और अभी सुबह जब उठी थी तो लग रहा था बहुत अच्छा फीवर था, मेरे को लग रहा था कि अब फीवर नहीं आएगा बट। तो अब कैसे सारा काम होगा यही सोच रही हूँ कि मेरा फुल डे का जो वर्क है जो मैं डेली करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ इतना कि मैं खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। सब लोग बोलते हैं कि खुद के लिए वक्त निकालो पर नहीं मिल पाता है। अभी ब्लैंकेट में हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो मैं आ गई किचन में क्योंकि लेटे लेटे कितनी देर लेटूंगी क्योंकि थोड़ी देर में आरू आएगी और वो कुछ खाएगी नहीं तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर चावल दाल आज नहीं बनाऊंगी, आज मैं बना दूंगी चीला वो भी सूजी का जिसको मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, आरू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे फटाफट से प्याज मिर्च टमाटर और धनिया का पत्ता काट के डालूंगी, धनिया पत्ता है नहीं तो मैं अपने खेत से तोड़ रही हूँ। और ये क्या जाए तो वेजिटेरियन ऑमलेट हो जाता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो अभी तबीयत ही ख़राब है तो सब लोग समझते हैं कि नहीं इसका मन नहीं था, मेरे हस्बैंड कभी भी कोई ये शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि जानते हैं वो तो बोलते बनाना ही मत तो पर ऐसा होता नहीं है। मैं छोड़ दूंगी एटलीस्ट 20 मिनट्स, उससे क्या होता है थोड़ा सॉफ्ट बनता है। अगर मैं इसको भी जस्ट बनाऊंगी ना तो एकदम कड़ा कड़ा बहुत ही अजीब सा बनेगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये थोड़ा ये हो जाता है अच्छे से फूल जाता है, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी मेरा फीवर थोड़ा सा उतरा है
तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। पे मैं आरू का ड्रेस आयरन कर रही हूँ, कल हाउस ड्रेस है तो उसको ही प्रेस करना था, तो फटाफट से इसको प्रेस करूँगी और एकदम बेड पे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, आज नहीं मन था फिर भी मैं कर रही हूँ, यहाँ पर सारा कुछ करके रखती हूँ प्रिपेयर कि मुझे सुबह में भाग दौड़ नहीं करना पड़े। थोड़ा सा फेस को भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत 2-3 दिनों से बिल्कुल एकदम काला लग रहा था, तो सोचे चलो इसको क्लीन करते तो शायद थोड़ा साफ दिखे। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।